दीदी की तरफ से आप लोगों के लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो हम अभी जानेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ ये रेजोनेट ना करे, क्योंकि एक ही टाइम पे सब लोगों की वाइब्स, एनर्जी, सिचुएशन सेम नहीं है, सेम होना पॉसिबल भी नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट होता है, वो लोग उसके साथ आगे बढ़े और अपने ज़िंदगी में खुश रहे, पॉजिटिव रहे। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, इसे आप खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, इसे आप बहुत एंजॉय करोगे। किसी किसी के लिए ये क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, जो कि आपको जेन्युइनली इमोशनली हैप्पी कर देगी। हो सकते हैं आप में से कोई कोई अभी इस समय क्रिएटिव फील्ड में नहीं है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि यूज योर क्रिएटिविटी। इस अपॉर्चुनिटी से आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो सक्सेस, रिकॉग्निशन, विक्ट्री एंड पावर। वर्क से रिलेटेड आपका ट्रैवल भी रह सकता है। शिव शक्ति आपको हमेशा गाइड करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए स्पेशल एडवाइस है, मैसेज है कि स्टॉप लुकिंग बैक। हमेशा जिंदगी में एक फेज खत्म होने के बाद नेक्स्ट में हम एंटर करते हैं, एक नई उम्मीद होती है, एक नई रोशनी होती है, एक नया दरवाज़ा होता है, हर मोड़ पर आपके सामने भी है, लेकिन आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। दरवाज़ा आपके सामने खुला है, लाइट है, रोशनी है, नई उम्मीद है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप पीछे की तरफ देख रहे हो, बार बार अपने पास्ट पे झांक रहे हो, अपने अतीत को देख रहे हो, वो पुराने फ्रेंड्स हो, पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, कोई यादें हो, कुछ भी हो, वो अननेसेसरी है, कोई मायने नहीं रखता है अब आपके जिंदगी में। सो अननेसेसरी अटेंशन, जो लोग, जो सिचुएशन, जो यादें ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, उसे छोड़ दो, उसे त्याग करो, उसको त्याग करो और लाइट की तरफ, दरवाजे की तरफ आगे बढ़ो। आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, आगे बढ़ो। बी फोकस्ड ऑन योर गोल एंड टेक अ स्टैंड फॉर योर प्रायोरिटीज। आपकी एनर्जी काफी कंफ्यूजिंग है, कभी आप कहते हो ये करेंगे, कभी आप कहते हो कि ये करेंगे, कभी इसमें खुश हो जाते हो, कभी उसमें खुश हो जाते हो। आपको कहा जा रहा है कि आप एक बात पे डटे रहो, एक जगह पे रुक जाओ, डिसाइड वन थिंग एंड देन लेट इट हैपन। आपने जो इंटेंशन सेट किया था उसके हिसाब से आपने आधा सफर तय कर लिया है, अब बस थोड़ा सा ही है। इस समय आपको ऑनेस्ट रहना है खुद के प्रति,
लोग क्या बोल रहे हैं, आसपास क्या चल रहा है, आप क्या किससे बोल रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आप खुद से क्या बोल रहे हो, खुद से क्या चाहते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ट्रस्ट दिस इज अ बेनेवोलेंट यूनिवर्स। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। राधे राधे।